To apna आज हम वाले हैं एवरीथिंग अबाउट नीड देयर इम्प्लीमेंटेशन एंड फाइनली देर एक्सिक्यूशन फंक्शंस एक बहुत ज्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है एज इट विल फॉर्म बेसिस फॉर ऑल द टॉपिक्स जो हम इसके बाद करवाएंगे तो इसको लास्ट तक देखना इस वीडियो को एंड लेट्स टाइप राइट इन टू एट लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था कि फैक्टोरियल ऑफ अ नंबर कैसे निकालते हैं ठीक है तो फैक्टोरियल इज़ गिवन बाई द प्रोडक्ट ऑफ दैट नंबर विद ऑल द नंबर्स दैट आर लेस दैन इट स्टार्टिंग फ्राम वन राइट तो सपोज एक हमारे पास क्वेश्चन है कि हमें दो नंबर्स यूजर देगा और हमें उन दोनों का फैक्टोरियल निकालना है तो हम क्या करेंगे दो नंबर्स दो इंटीजियर्स डिक्लेयर कर देंगे एन वन और एन टू इनपुट ले लेंगे और पहले हम फॉर लूप लगा देंगे फैक्टोरियल फाइंड करने के लिए एन वन का और फिर फॉर लूप लगा देंगे एन टू के लिए राइट right. तो अगर आप यहाँ पर नोटिस करोगे कि यार हम दो बारी जो है सेम पीस ऑफ कोड लिख रहे हैं पहले एन वन के लिए और एन टू के लिए तो ये जो हम रेपिटेटिव कोड लिख रहे हैं इसको हटाने के लिए हम यूज़ करते हैं फंक्शंस फंक्शन इज़ अ पीस ऑफ कोड दैट परफॉर्म्स अ स्पेसिफिक टास्क तो अगर यहाँ पे हमने एक फंक्शन लिख लिया फैक्टोरियल फाइंड करने के लिए किसी भी इंट एन का तो हम सेम फंक्शन यूज़ कर लेंगे पहले एन वन के लिए और एन टू के लिए और हमें सेम कोड जो है बार बार नहीं लिखना पड़ेगा ठीक है तो अब आते हैं कि फंक्शंस को लिखा कैसे जाता है कोड में उनका सिंटैक्स क्या होता है सबसे पहले हम डिफाइन करते हैं रिटर्न टाइप फंक्शन का तो वो क्या होता है जो फंक्शन जो भी हमें आउटपुट दे रहा है उसका जो डेटा टाइप होता है उसे बोलते हैं रिटर्न टाइप तो जैसे हमारा फैक्टोरियल वाला एग्ज़ाम्पल था उसमें अगर हमें फैक्टोरियल मिल रहा है जो कि इंट होगा तो उसका फंक्शन का रिटर्न टाइप हो जाएगा इंट उसके बाद आ गया हमारा फंक्शन नेम उसके बाद ब्रैकेट्स में आते हैं हमारे पैरामीटर्स एंड ये पैरामीटर्स हम स्पेसिफाई करते हैं उनके डेटा टाइप्स के साथ तो जैसे फैक्टोरियल वाले एग्जाम्पल में हम लिखेंगे इंट इन उसके बाद फंक्शन बॉडी में जो भी वो फंक्शन काम कर रहा है वो आता है और लास्टली जो भी हमारा फंक्शन जो हमें आउटपुट दे रहा है वो उसको रिटर्न कर देता है ठीक है तो और जैसे ही फंक्शन कुछ रिटर्न करता है तो फंक्शन जो है टर्मिनेट हो जाता है हम फंक्शन से बाहर आ जाते हैं तो अब एग्जाम्पल से समझिए अगर हमें लिखना है फंक्शन टू एड टू नंबर्स तो हम कैसे लिखेंगे तो सबसे पहले अगर रिटर्न टाइप देखें तो दो इंटीजर्स का सम इंटीजर ही होगा तो रिटर्न टाइप तो इंट हो गया उसके बाद हमने फंक्शन नेम लिख दिया एड और यहाँ पे पैरामीटर्स में हम भेज देंगे एक हो गया इंट नम वन और दूसरा इंट नम टू इसके बाद हम एक वेरिएबल डिक्लेयर कर देंगे इंट सम दैट वुड बी इक्वल टू नम वन प्लस नम टू एंड लास्टली हम रिटर्न कर देंगे सम तो अब ये जो एड फंक्शन हमने डिफाइन कर दिया है इसको हम कॉल कहाँ से करेंगे और कहाँ लिखेंगे ये पीस ऑफ कोड ये देखते हैं तो ये कॉल होगा इंट मेन फंक्शन में हमारे जैसे ही हम कोड को रन करते हैं जो मेन फंक्शन होता है वो ऑटोमेटिकली कॉल हो जाता है तो अगर उसके अलावा हमें कोई फंक्शन कॉल करना है तो उससे हमें कॉल करना पड़ेगा इंट मेन से ठीक है तो मेन में हम सबसे पहले दो इंटीजर्स इंटीजर वेरिएबल ले लिए ए और बी ठीक है और उनको इनिशियलाइज़ कर दिया उसके बाद हम आउटपुट कर देंगे ऐड ए और बी एंडल ठीक है तो यहाँ पे दो चीज़ें हैं नोटिस करने वाली पहली तो ये कि जब हम फंक्शन को कॉल कर रहे होते हैं तो हम सिर्फ जो है वेरिएबल्स को भेजते हैं उनका डेटा टाइप उनके साथ नहीं भेजते राइट right? और दूसरा ये यह कि यहाँ पर जो हम वेरिएबल्स भेज रहे हैं वो एक्चुअली हम वेरिएबल्स की वैल्यूज़ भेज रहे हैं ठीक है तो ए और बी एक्चुअली फंक्शन एड में नहीं जा रहे उनकी सिर्फ जो वैल्यूज़ है टू और थ्री सिर्फ वो एड फंक्शन में जा रही है फिर एड फंक्शन में जाके एड फंक्शन जो है दो लोकल वेरिएबल्स बना रहा है ऑफ टाइप इंट एक नम वन और नम टू और उसमें वो वैल्यूज़ डाल रहा है टू और थ्री उसके बाद जैसे ही वो रिटर्न कर देता है हमें हमारा सम उसके बाद जो ये दोनों वेरीएब लोकल वेरिएबल्स हैं नम वन और नम टू ये अपने आप डिस्ट्रॉय हो जाते हैं ठीक है सो दैट्स हाउ दिस फंक्शन वर्क्स तो ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ मेन फंक्शन ही कोई और फंक्शन को कॉल कर सकता है हम किसी भी फंक्शन से किसी भी फंक्शन को कॉल कर सकते हैं बट द स्टार्टिंग पॉइंट इज़ ऑलवेज द मेन फंक्शन अब सपोज हमें अपने ऐड फंक्शन में प्रिंट करवाना है और नम टू तो उसके लिए हम एक अलग फंक्शन डिफाइन कर देते हैं प्रिंट ठीक है और इसका जो रिटर्न टाइप होगा वो अवॉइड होगा यहाँ पे पैरामीटर में हम भेज इंट नम और यहाँ पे हम सी आउट करके रिटर्न कर देंगे तो पहले हम ये फंक्शन कॉल करेंगे नम वन के लिए फिर नम टू के लिए तो फंक्शंस और आगे के जो टॉपिक्स हैं इन सबको समझने के लिए इट इज़ वेरी इम्पोर्टेंट कि हम समझें कि ये मेमोरी में कैसे जो हमारा कंट्रोल है वो फ्लो हो रहा है तो उसको समझने के लिए हम पढ़ते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ कॉल स्टैक तो यार होता क्या है कि जैसे ही कोई फंक्शन कॉल होता है सिस्टम एक मेमोरी का चंक उस फंक्शन को एलोकेट कर देता है इस मेमोरी चंक में फंक्शन का कोड उसके लोकल वेरिएबल्स और जो हमने पैरामीटर्स पास किए, ये सब स्टोर होते हैं एंड इस मेमोरी चंक को हम बोलते हैं स्टैक फ्रेम क्योंकि ये मेमोरी चंक्स एक स्टैक में अरेंजड होते हैं मेमरी स्टैक को आप ऐसे विजुअलाइज कर सकते हैं एज अ स्टैक ऑफ बुक्स तो अगर कोई आपको बुक ऐड करनी है उसमें तो आप उसको टॉप पे ऐड करोगे राइट और अगर आपको कोई बुक हटानी है तो आप सिर्फ ऊपर से ही हटा सकते हो बीच में से या नीचे से आप नहीं हटा पाओगे तो मेमोरी में भी ऐसा कुछ ही हो रहा होता है एज एन वेन फंक्शंस आर कॉल्ड उनके स्टैक फ्रेम्स जो हैं वो स्टैक के टॉप पे ऐड होते रहते हैं जिसे हम बोलते हैं पुश्ड टू द स्टैक एंड यहाँ टॉप मोस्ट स्टैक फ्रेम इज़ द एक्टिव फ्रेम मतलब जिस फंक्शन का स्टैक फ्रेम टॉप पे होगा वो सबसे पहले एग्जीक्यूट हो रहा होगा एंड व्हेन द फंक्शन रिटर्न्स समथिंग उस टाइम पे उसका जो स्टैक फ्रेम है वो स्टैक से रिमूव हो जाता है इसको हम बोलते हैं पॉप्ड फ्रॉम द स्टैक अब वापस हमारे एड एंड प्रिंट वाले प्रोग्राम पे चलते हैं यहाँ पे सबसे पहले जो इंट मेन फंक्शन होगा हमारा उसका स्टैक फ्रेम स्टैक में पुश हो जाएगा जिसमें उसके लोकल वेरिएबल्स ए एंड बी स्टोर हो रहे होंगे फिर जैसे ही ऐड फंक्शन कॉल होता है उसके स्टैक फ्रेम विल बी पुश्ड टू स्टैक जिसमें लोकल वेरिएबल्स होंगे नम वन एंड नम टू अब ये वाला फंक्शन कॉल करेगा प्रिंट फंक्शन को तो उसका स्टैक फ्रेम पुश होगा फॉर नम वन एंड जैसे ही प्रिंट फंक्शन रिटर्न करेगा इट्स स्टैक फ्रेम विल बी पॉप्ड फ्रॉम द स्टैक अब दोबारा प्रिंट फंक्शन का स्टैक फ्रेम पुश होगा फॉर नम टू एंड ऑन रिटर्निंग इट विल ऑल्सो गेट पॉप्ड अब हमारा जो कंट्रोल है वो वापस ऐड फंक्शन में आ गया है ठीक है तो अब वो एग्जीक्यूट होगा और जैसे ही वो हमारे सम को रिटर्न करेगा तो वो भी पॉप हो जाएगा स्टैक से अब जो टॉप मोस्ट स्टैक फ्रेम होगा वो इंट मेन का हो जाएगा तो वो एग्जीक्यूट होगा और यहाँ पे जैसे ही रिटर्न ज़ीरो हिट होगा तो उसका स्टैक फ्रेम भी स्टैक से पॉप हो जाएगा तो जब हम फंक्शंस यूज़ करते हैं ये सब हो रहा होता है मेमोरी में एंड ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है वरना आगे के शायद कुछ टॉपिक समझ में ना आए सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो इन द नेक्स्ट वीडियो विल बी टेकिंग अप सम प्रोग्रामिंग एग्जाम्पल्स ऑन फंक्शंस एंड वील ट्राई टू गो दैट एंड थैंक यू